दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन के बल्लेबाजी के प्रशंसक हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शिखर धवन ने अपने बल्ले से भारतीय टीम को कई मुकाबले जिताए हैं। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2019 में एक दिवसीय विश्व कप के पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था, जिसके बाद वो चोट के कारण उस विश्व कप से बाहर हो गए थे। फिर उसके बाद उनको भारतीय टीम में जगह बना पाना काफी मुश्किल हो गया था और वो तब से टीम में अंदर बाहर होते रहे। लेकिन अभी हाल ही में शिखर धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर सनसनी मचा दी। तो चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में क्या है, लेकिन जिसके चलते भारतीय टीम के चयनकर्ता भी काफी हैरान है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन और केएल राहुल में कौन है बेहतरीन ओपनर? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों शिखर धवन एक ऐसा नाम है जिसको उनके योगदान के हिसाब से कभी भी उनको न्याय नहीं मिला। वो हमेशा से ही भारतीय टीम के एक अंडररेटेड खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में खेली गई 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन का बल्ला जमकर बोला, जिसमें उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को चैंपियन बना दिया और वहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई शानदार तरीके से। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उनके प्रदर्शन को भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने हमेशा से ही अनदेखा किया। आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनको T20 विश्व कप में शामिल नहीं किया गया और शायद अगर वो T20 विश्व कप में होते तो भारतीय टीम लीग स्टेज से बाहर ही नहीं होती। और उसको दोस्तों आपको बता दें कि शिखर धवन ने टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार डेब्यू किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में 187 रन की शानदार पारी खेली थी और वहीं एक दिवसीय मैच में भारत के सबसे तेज 2000 और 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। वहीं अब तक 45 के ऊपर शानदार एवरेज के साथ उन्होंने वनडे में 6105 रन बनाए हैं, जिसमें 17 शतक भी शामिल हैं। दोस्तों भारतीय टीम के लिए इतना योगदान देने के बावजूद भी शिखर धवन को चयनकर्ताओं ने हमेशा दरकिनार किया है और उन्होंने कभी भी भारतीय टीम की आलोचना नहीं की। उनका मानना है कि मुझे जो भी कुछ करना है अपने बल्ले के साथ ही करना है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर ऐसा साबित भी किया। दोस्तों इस वीडियो में शिखर धवन एक प्रैक्टिस सेशन में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गगनचुंबी छक्के लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों उनका खेला गया एक शॉट तो बेहद ही शानदार था, जो शिखर धवन ने घुटने के बल बैड मिड विकेट की तरफ खूबसूरत छक्का लगाया। दोस्तों शिखर धवन ने आज तक भारतीय टीम की आलोचना नहीं की, पर जैसा वो कहते हैं कि मुझे बल्ले से ही जवाब देना आता है, तो वो इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब वहीं भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने भी इस वीडियो को देखकर एक दिवसीय मैच में शिखर धवन को टीम में शामिल करना जरूरी समझेंगे वो। और दोस्तों अगर शिखर धवन अभी से भारतीय टीम में शामिल हो जाते हैं तो आने वाले 2023 के वनडे विश्व कप के लिए उनको तैयारियों का भरपूर मौका मिल जाएगा और भारतीय टीम का विश्व कप जीतने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम में शिखर धवन की वापसी होगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।